हम लोग एज लेंगे और इटरेशन काउंट लेंगे, उसकी हेल्प से हम लोग बनाएंगे फ्रिक्वेंसी चार्ट। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग न्यू एक सीट ले लेंगे और यहाँ पे सर नाम चेंज करके लेके रख देंगे फ्रिक्वेंसी चार्ट सीएफसी लेके रख देंगे। और यहाँ पे हम लोग सर्च बार में एज सर्च करेंगे। यहाँ देखिए एज आ रहा, ठीक। एज को हम लोग पहले कन्वर्ट करेंगे, एज का हमेशा जो हमारे पास जो डेटा सेट होगा उसमें एज क्या होगा, हमारा फ्लोट नंबर पे होगा, ठीक। जैसे कि हम लोग इसका फ्लोट नंबर पे होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्रिएट पे जाएंगे, क्रिएट पे लिखेंगे बिन्स, बिन्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ देखिए साइज ऑफ बिन्स क्या है, 3.54। तो देखो एज हमारी कभी भी फ्लोट में नहीं हो सकती, ठीक। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे पैरामीटर सेट करेंगे, ठीक। हम लोग अपना खुद का पैरामीटर बनाएंगे, बट जो हम लोग का जो टेबलो प्रोवाइड करता है ये ऑलरेडी इसका जो साइज है, डेटा का साइज है, जो फ्लोट में वैल्यू बाय डिफॉल्ट ये ले रहा है, ठीक। ये अपना खुद का पैरामीटर डिफाइन कर रहा है, बट हम लोग अपना खुद का पैरामीटर को क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए लिखा है क्रिएट अ न्यू पैरामीटर, यहाँ पे क्लिक करेंगे और हमारे पास नेम पैरामीटर का नेम पूछ रहा, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग बिन्स एज, देन हम लोग जो वैल्यू है जो इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे, 1 कर देंगे, 2 कर देंगे और मैक्सिमम वैल्यू हम लोग 10 कर देंगे। और स्टेप साइज देखिए, स्टेप साइज हम लोग रखेंगे 1, क्योंकि स्टेप साइज हम लोग कितना हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं, ठीक, वो हमारा स्टेप साइज होती है। जो मिनिमम वैल्यू हमारे पर 2 रख दिया हम लोग ने और मैक्सिमम वैल्यू कितनी रख दिया, 10 रख दिया, ठीक। और हम लोग इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब देखिए यहाँ पे पैरामीटर पे हमारा क्या आ गया, बिन एज आ गया, ठीक। हम लोग क्या करेंगे, इस बिन एज को क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे किसमें, कॉलम में। कॉलम में ड्रैग करने के बाद यहाँ पे देखिए एज ये आ गया, एज बिन आ गया, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ ड्रैग कर देंगे। ड्रैग करने के बाद हमारा देखिए डेटा आ गया, ठीक, डेटा हम लोग के पास आ गया। इसको सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम लोग इसका व्यू चेंज कर लेते हैं, हमारा जो व्यू है वो स्टैंडर्ड है, इसको कर लेते हैं इंटायर व्यू कर लेते हैं, क्लिक करेंगे इस पे, यहाँ पे क्लिक करके इंटायर व्यू कर लेंगे। तो वहाँ डेटा क्या आ गया, इंटायर व्यू में आ गया। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इटरेशन काउंट लेंगे, ठीक। इटरेशन काउंट को हम लोग रो में ड्रैग करेंगे तो हमारा एक फ्रिक्वेंसी ग्राफ बन के आने लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इटरेशन काउंट, इस पर क्लिक करेंगे और ड्रैग कर देंगे इसमें रो में, तो हमारा देखिए ग्राफ बन के चला आया, ठीक। ये क्या है, हमारा ग्राफ बन के चला आया, ठीक। आप क्या करेंगे, हम देखिए हमारा जो ग्राफ बन तो बन के चला आया, बट अभी इसकी वैल्यू नहीं डिफाइन, इसका लेबलिंग नहीं हो पा रही है। तो लेबलिंग जब हम लोग अपना कर्सर लेकर जा रहे हैं किसी ग्राफ पे तो उसका लेबलिंग हम लोग को शो कर रहा है, बट हम लोग चाहते हैं कि हमारी लेबलिंग उस ग्राफ पे शो करे। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे और ये जो सम इटरेशन जो लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और ड्रैग करके कहाँ लाएंगे, लेबल पे लाएंगे। लेबल पे जैसे लेंगे तो हमारा क्या हो गया, लेबलिंग हो गई, हर फ्रिक्वेंसी ग्राफ की लेबलिंग हो गई। देखिए अगर हम कर्सर भी लेके जा रहे हैं तो हमारा इटरेशन काउंट आ रहा 59, हमारा ऑलरेडी हम लोग लेबलिंग कर रखी है, तो हम लोग के सारे ग्राफ पे ऊपर 10, 21, 28 हमारा लेबलिंग शो करने लगेगी। तो ये हमारा बन गया फ्रिक्वेंसी ग्राफ। आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक, जो कलर आप चूज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, अपनी पसंद का कलर यहाँ से ले सकते हैं, और इसका साइज कम ज्यादा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक। ये अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन।